नमस्कार साथियों, सोशला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। एक मई हम सभी जानते हैं मजदूर दिवस के रूप में जानी जाती है और एक मई ये ऐतिहासिक दिन है। विश्व के समाजशास्त्री प्रख्यात समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को संगठित होने का आह्वान किया था और पूरा उनका जो चिंतन है वो वर्ग व्यवस्था और वर्गों के भेदभाव को लेके था। तो सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं इस अवसर पे कार्ल मार्क्स का चिंतन आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। औद्योगिक समाजशास्त्र और कार्ल मार्क्स का चिंतन। औद्योगिकरण का योग है, हमारा पूरा का पूरा समाज औद्योगिक समाज में बदल गया है। और जब हम औद्योगिक समाजशास्त्र जो कि समाजशास्त्र की एक शाखा है, समाजशास्त्र के एक भाग औद्योगिक जगत के अध्ययन कर लेंगे क्योंकि पूरा समाज हमारा औद्योगिक समाज में कन्वर्ट हो चुका है। कृषि समाज काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है, कृषि में भी औद्योगिक उपकरणों का प्रयोग होने लगा है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र की जब हम चर्चा करते हैं तो कार्ल मार्क्स के चिंतन के बिना ये अधूरा है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के चिंतन से समाजशास्त्रीय चिंतन को एक नई ऊर्जा मिली है। चूँकि हम औद्योगिक समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं तो समाजशास्त्र की एक शाखा है, तो वास्तव में जब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का चिंतन है, इसने समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी और उसके बाद से ही औद्योगिक समाजशास्त्र पे अलग अलग काम होने लगे, विभिन्न विद्वानों के विचार आने लगे। औद्योगिक समाजशास्त्र का जो विशिष्ट या विशेष सरोकार है उत्पादन के संबंध, उत्पादन प्रणाली, विभिन्न उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व, उत्पादन की प्रक्रिया और कारखाने जो इंडस्ट्री कराती है, उद्योग धंधे कराते हैं कि दुनिया से। टॉम बाटोमोर समाजशास्त्री हैं जो वो स्पष्ट करते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत में सामाजिक जीवन के दो तत्व की बात है। टॉम बाटोमोर ने कहा कि मार्क्स ने सामाजिक जीवन में, उनके जितने भी सिद्धांत हैं, सामाजिक जीवन के दो तत्वों, तकनीक का विकास और सामाजिक वर्गों के संबंध को महत्वपूर्ण नजरिए से देखा है। तकनीक, टेक्नोलॉजी कैसे विकसित होती है और उसके साथ साथ वर्गों के संबंध, अलग अलग उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, मालिक वर्ग, ये इन वर्गों के संबंध, इनके संबंधों को उन्होंने विश्लेषित किया। उनके पूरा सामाजिक जीवन के दो तत्व पे ही कार्ल मार्क्स का चिंतन टिका हुआ, ये टॉम बाटोमोर का कहना है। मार्क्स का चिंतन ऐतिहासिक रूपांतरण की जमीनी, जो जमीनी हकीकत है, मार्क्स का जितना भी चिंतन है, ऐतिहासिक चिंतन, वो ऐतिहासिक रूपांतरण कैसे हुआ कि चिंतन की हकीकत को बताता है। इस आधार पर मार्क्स ने आदिम समाज, प्राचीन समाज, एशियाई समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज बताए। उन्हें समाज को अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्टेज वाइज, कि पहले समाज आदिम अवस्था में था, विकसित होके प्राचीन समाज में बना और विकसित होके एशियाई में आया, सामंती और पूंजीवादी, इन समाजों के रूप में बांटा है। अब हम जब देखते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र के परिपेक्ष में, तो जो हम औद्योगिक समाजशास्त्र में पढ़ते हैं उसमें अगर आप देखें, मार्क्स का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की, ये मार्क्स के समाजशास्त्रीय विचारों का वैज्ञानिक केंद्र बिंदु। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है मार्क्स के विचारों का वैज्ञानिक केंद्र बिंदु है। वो विचार को वैज्ञानिकीकरण यहीं से उन्होंने देना शुरू किया। भौतिक दशाएं, आर्थिक कारण, समाज की संरचना, उससे जुड़े विभिन्न पक्षों को प्रभावित करते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम ने चीज बताई। फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो उनकी संरचना है या जो उनकी थ्योरी है, वो मानवीय इतिहास के विकास की व्याख्या कर, उसी में उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग समयों में विकास बदलता गया, विकास होता गया समाज का। मानवीय इतिहास के विकास में भौतिक दशाओं में उनने उत्पादन की मूलभूत और कारणात्मक भूमिका को बताया। उनने कहा कि उत्पादन जो है, भौतिक दशाएं जो हैं, उत्पादन की जो मूलभूत और कारण, जिनके कारण उसकी भूमिका क्या रहती, उसको उनने ऐतिहासिक भौतिकवाद में स्पष्ट किया। मानव समाज का अंतः संबंधित समग्र है, वो कहते हैं मानव समाज अंतः संबंधित समग्र होल है। इसमें परिवर्तनशीलता का तत्व अंतर्निहित, इसमें बदलाव तो होगा, परिवर्तनशीलता का तत्व तो अंतर्निहित रहता है। मार्क्स ने कहा कि उत्पादन संबंधों के विभिन्न आयामों का विवेचन करते हुए कहते हैं,
कि उत्पादन, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंध, उनके क्या क्या स्वरूप होंगे, इन सभी को हमें देखना चाहिए, इन सभी को हमें जानना जरूरी हो। और औद्योगिक समाजशास्त्र जब हम बात करते हैं या औद्योगिक समाजशास्त्र की जब हम चर्चा करते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, उसका केंद्रीय विषय ही उत्पादन संबंध है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन औद्योगिक समाज का केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय विषय है। मार्क्स की एक प्रख्यात किताब है दास कैपिटल में मार्क्स ने उत्पादन के संबंधों का गंभीर विश्लेषण किया। दास कैपिटल में उन्होंने उत्पादन के संबंधों पर ही पूरी चर्चा की। उत्पादन के संबंध क्या है, उत्पादन के संबंधों में बदलाव होने से क्या होता है, उत्पादन के संबंध समाज को कहां तक प्रभावित करते हैं, समाज उत्पादन के संबंधों पर किस तरह से निर्भर होता है, ये सारी चीजें उन्होंने दास कैपिटल में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत रूप से विवेचित की है। मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहता। मार्क्स ने अपने विवेचन में जो हम औद्योगिक समाजशास्त्र में पढ़ते हैं और हम समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं, उसके तहत देखते हैं कि मार्क्स कहता है कि मनुष्य जो है प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहता है, और नियंत्रण करने के लिए ही, प्रकृति पर कैसे नियंत्रण हो, तो वो उत्पादन के जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है। जैसे आप देखिए, प्रकृति से हमने खनिज पदार्थ निकाल के उनको कन्वर्ट कर लिया, कोयला निकाला, कोयले की शक्ति थी, फिर पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पृथ्वी पे अपना वर्चस्व बनाते जा रहे हैं, और ये सारी चीज जहां जहां उत्पादन की शक्ति है उसके माध्यम से व्यक्ति प्रकृति पे अपना वर्चस्व करना चाहता है। उत्पादन के लिए वो कहते हैं उत्पादन जो है ऐतिहासिक क्रिया जो है वस्तुओं का उत्पादन है। समाज में मार्क्स कहते हैं कि जितनी भी हमारी ऐतिहासिक क्रियाएं हैं वस्तुओं का उत्पादन है। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण इतिहास की आधारभूत स्थिति है। जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था के लिए मनुष्य को समय समय पर जो आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य जागरूक रहता है। और जीवन निर्वाह हेतु भोजन की आवश्यकता सबसे पहली चीज है, उसे इसके बाद वस्त्र और फिर आवास की जरूरत होती है। तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप भौतिक वस्तुओं का उत्पादन व्यक्ति करता है, और इसी उत्पादन की प्रक्रिया से, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया से मार्क्स कहते हैं औद्योगिकरण की गति तीव्र हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत भी हुई, औद्योगिकरण की गति भी तीव्र हुई। इसलिए औद्योगिक समाजशास्त्र में हमको मार्क्स के चिंतन को जानना बहुत जरूरी है। मार्क्स कहते हैं आर्थिक उत्पादन और भौतिक वस्तुओं का उत्पादन समाज का एक प्रस्थान बिंदु है, जहां से समाज सुसंगठित और सुसंरचित होता है। उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ने के कारण ही समाज एक अंतः संबंधित समग्र के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि आर्थिक कारक और मानव के ऐतिहासिक विकास, जो ऐतिहासिक विकास हुआ मानव का, इसके विभिन्न पक्षों के बीच में परस्पर आदान प्रदान का संबंध मौजूद है, जिससे यह हमारी समाज व्यवस्था बनी। उत्पादन की व्याख्या में स्पष्ट करते हैं कि समाज के दायरे में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण, समाज के दायरे में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका विश्लेषण हेतु आर्थिक उत्पादन जो है उनको हम अगर जानना चाहते हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए आर्थिक उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या में आर्थिक उत्पादनों की अवधारणा को अगर हम नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते। ये केंद्रीय अवधारणा मार्क्स ने रखा है। मार्क्स कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार का उत्पादन एक विशिष्ट प्रकार के वितरण, विनिमय और भोग की रचना करता है। जब हम कुछ विशिष्ट प्रकार का उत्पादन करते हैं तो वो उसका विनिमय भी होगा, उसका वितरण भी होगा और उपभोग की भी रचना करता है। जैसे आपने देखा होगा अभिभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ स्टील का विशेष प्रकार का उत्पादन होता है। जब वो स्टील बनती है तो उसका वितरण भी होता है, विनिमय भी होता है, उपभोग का भी विशेष स्वरूप मौजूद है। तो आप अलग अलग जगह देखते हैं जो जो उत्पादन होते हैं, विशिष्ट प्रकार का जब हम उत्पादन करते हैं उनके अलग अलग वितरणों की प्रक्रिया करना पड़ती है, उनका विनिमय करना पड़ता है, उनका उपभोग भी अलग होता है। इसलिए हम देखते हैं मार्क्स का चिंतन में जो उत्पादन का गंभीर विश्लेषण है। मार्क्स कहते हैं उत्पादन की शक्तियां जो हैं, ये उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन की शक्तियां, पावर ऑफ प्रोडक्शन जो है, सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के साधन के साथ साथ श्रम शक्ति भी महत्वपूर्ण है। जैसे मशीन जो आई हमें, मशीनों के विकास, नए तकनीकी यंत्रों से उत्पादन में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे तकनीक बदलती है उत्पादन में वृद्धि होती है। आपने देखो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहले हाथ से होती थी, फिर अब बढ़ती जा रही। मोबाइल टेक्नोलॉजी देखिए विकसित होते रहे, जैसे जैसे उसमें अभिवृद्धि हो रही है। इसमें श्रमिक की शिक्षा और प्रशिक्षण का उत्पादन भी शामिल रहता है श्रमिकों के द्वारा। और मनुष्य जो है प्रकृति पे जो नियंत्रण करना चाहता है वो इसीलिए कि हम अधिक से अधिक उत्पादन की शक्तियों पे प्रयोग करेंगे तो हम प्रकृति पे नियंत्रण करेंगे।
अब आप देखिए मार्स जो कहते हैं कि उत्पादन की शक्तियां जो हैं सोची समझी रणनीति के तहत परिवर्तन और विकास करती हैं। हम जो विकास करते हैं वो उत्पादन की शक्तियों के सोचे समझे प्रयोग से होती हैं। पुरानी तकनीक पर आधारित जो प्रेस थे प्रिंटिंग प्रेस, वो आधुनिक तकनीक पर आधारित मशीनों का प्रयोग है, तो आप देखिए उनका उत्पादन बढ़ गया, प्रकाशन बढ़ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। मीडिया में देखिए जैसे जैसे बदलते गए पुरानी तकनीक से हम नई तकनीक पर आए, तो मीडिया का प्रभाव समाज पर बढ़ने लगा। तो दूसरी चीज मार्क्स कहता है उत्पादन की शक्तियां में अनचाहे जो परिवर्तन होते हैं, अचानक जो परिवर्तन होते हैं वो भी स्थितियां, अनचाहे परिवर्तन की स्थिति को भी उत्पादन की शक्तियां उत्पन्न करती हैं, जिससे उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन का संबंध व्यापक पैमाने पर प्रभावित होता है। अभी आप देखिए लास्ट ईयर जो कोरोना वायरस आया तो इसने हमारे अनचाहे परिवर्तन लाए, हमारे उत्पादन की शक्तियों में अनचाहे परिवर्तन लाए। हम वर्क फ्रॉम होम करने लगे, हम डिजिटल मोड में चले गए, हमारा प्रोडक्शन जो है ऑनलाइन होने लगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे। तो इससे क्या हो रहा है कि संघर्ष की दिशाएं और प्रकृति भौतिक जीवन में भी परिवर्तन को निर्धारित, अनचाहे परिवर्तन भी होता है तो वो भी निर्धारित करता है। वो अपने विवेचन में कहते हैं भौतिक परिवर्तनों में भौतिक शक्तियां जितनी भी हैं समाज की, उनमें लगातार परिवर्तन होता है, कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक परिदृश्य में होता है और परिवर्तन का क्षेत्र पारिस्थितिकी घटना भी होता है, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, नदी सूख जाती है, भूमि क्षरण है, अभी आप देखिए वायरस आया कोविड-19, तो उसके कारण परिवर्तन हो रहे हैं। वनों के हमने अपने विकास के लिए हमने वनों को काटा तो उनके विकास के कारण भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। ये सारी जो है प्रेरक शक्तियां, वो कहते हैं उत्पादन की शक्तियां प्रकृति को उपयोगी मूल और विनिमय मूल में बदल देती हैं। इसके जितना जितना हमने उत्पादन की शक्तियों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए प्रकृति हमारी उपयोगी मूल और विनिमय मूल में बदलती जा रही है। उत्पादन शक्तियां उत्पादन साधनों की क्रमिक व्यवस्थाओं के साथ संबंधित हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि विकास के एक मोड़ पर पहुंचकर, विकास के एक मोड़ पर पहुंचकर उत्पादन की शक्तियां उत्पादन संबंधों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। नई उत्पादक शक्तियां पुराने उत्पादक संबंधों के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती हैं, फलतः समाज में टकराहट होने लगती है, प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, क्रांति का नया दौर होता है और वर संघर्ष की स्थिति को पहचानते लोग क्रांति के दौर पर सतर्क रहते हैं। आप देखिए टेक्नोलॉजी का आज कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देखिए इनके बीच में टकराहट हो रही है। उत्पादन की शक्तियां मशीन और उपकरणों का ही प्रयोग नहीं होता बल्कि श्रम शक्ति का भी विशेष महत्व कहता है। मार्क्स कहता है खाली मशीन को ही आप नहीं मानिए, उपकरणों को ही शक्ति मान, उसमें मनुष्यों की शक्ति भी है और उत्पादन की प्रक्रिया को तीव्र करने में मानव श्रम शक्ति महत्वपूर्ण है। अब इसके आधार पर उसने उत्पादन के संबंधों की बात की, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। वो कहता है उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंध के बीच तर्कपूर्ण संबंध मौजूद रहते हैं, उसमें उत्पादन की शक्ति फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बीच में एक तर्कपूर्ण संबंध मौजूद होते हैं। उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों की प्रकृति निर्धारित करती हैं, जो उत्पादन की शक्तियां वही उत्पादन के संबंधों की प्रकृति निर्धारित करती हैं। अब देखिए वर्क फ्रॉम होम निर्धारित हुआ कि नहीं हुआ, उत्पादन के संबंधों को उत्पादन की प्रक्रिया में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध और आर्थिक भूमिका के रूप में हमें रेखांकित करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि औद्योगिक समाजशास्त्र को हमें समझना है तो मार्क्स के चिंतन को जानना बहुत जरूरी है। मार्क्स का पूरा चिंतन जो उत्पादन शक्ति उत्पादन संबंध उत्पादन प्रणाली की ये सारी चीज उसकी केंद्रीय अवधारणा है। वो कहता है उत्पादन की शक्तियां आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो ज्ञान से संबंधित हैं, वो शक्तियां जो हैं टेक्नोलॉजी और ज्ञान से संबंधित हैं, कच्चे माल उपकरण तकनीकी ज्ञान कैसे करेंगे, और इसी में उसने फिर वो दो वर्गों की बात की है। मार्क्स कहता है एक श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर कामगार श्रमिक और मेहनत करते इंसान है, उसका किसी चीज पर कोई स्वामित्व नहीं रहता है, और वो इसी आधार पर उसने कहा कि धीरे धीरे उनमें विरोध की स्थिति होने लगती है, वो विरोध करने लगता है और वर्ग चेतना उसमें आने लगती है। अभी उसने कहा कि मार्क्स का जो समाजशास्त्र है इसको रेमंड एरो कहते हैं, उन्होंने अपनी एक किताब रेमंड एरो की मेन करेंसी इन सोशियोलॉजिकल थॉट, इसमें उन्होंने कहा है कि मार्क्स का समाजशास्त्र अगर हम जानना चाहते हैं मूलतः वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। उन्होंने स्पष्ट किया है रेमंड एरो ने कि मार्क्स के सभी लेखन कार्यों और वैचारिक आयामों का केंद्रीय बिंदु या फोकल पॉइंट वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल रहा है।
वर संघर्ष को वो एक प्रकार की ऊर्जा मानते हैं, एक प्रकार की ऊष्मा मानते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का ये ज्वलन चिंतन है, अर्थात वर संघर्ष वह जानदार ताकत है जो इतिहास के पहिए को आगे धकेलती है। वर संघर्ष जितना होगा इतिहास के पहिए हमारे व्हील आगे बढ़ेंगे। वर संघर्ष के आधार पे एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जहां ना प्रतिरोध है ना अंतर्विरोध का कोई आधार है। वर्गहीन शोषणहीन समाज की रचना में वर संघर्ष एक प्रस्थान बिंदु है। उत्पादन के साधनों और सामाजिक विश्लेषण में उसने एक अलगाव एलिनेशन की भी बात करता है मार्क्स। मार्क्स कहता है अलगाव की धारणा जो है उसके आधार पर उसने पूंजीवादी व्यवस्था में जो अत्याचार और जुल्म है उसको रेखांकित किया। उसको अपने एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मार्क्स कहता है कि किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का श्रम, लेबर, पसीना, स्वेद और रक्त, ये तीन चीजों से लथपथ एक श्रमिक कारखाने की दुनिया को रोशन करता है। कोई किसी भी आप फैक्ट्री में चले जाइए, वहां पे श्रमिक के पसीना, श्रमिक का लेबर और श्रमिक का खून, खून पसीने से संचित श्रम जो है उससे वो फैक्ट्री जो है वो कारखाने की दुनिया रोशन होती है। जैसे अभी आप देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दूंगा मैं कि हॉस्पिटल में काम करने वाले वार्ड बॉय लेबर सब हैं और एक मजदूर भी है जो फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करता है, प्राण रक्षक दवाइयाँ तैयार करता है। अब अचानक कोरोना वायरस के कारण उस श्रमिक का बच्चा या उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट करता है, वहाँ पे उसके पास पैसा नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसा नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पैसा नहीं, हजारों रुपए नहीं, हॉस्पिटल की फीस नहीं पे कर पाता, उसके पास इतना पैसा नहीं है। वो देखता है कि वही इंजेक्शन जो उसकी फैक्ट्री में उसने बनाया था, पैकिंग करी थी, निर्माण करा था, ऑक्सीजन सिलेंडर में जिसने ऑक्सीजन भरी थी, वो ऑक्सीजन अपने बच्चे को नहीं दे पाया, उसका बच्चा टेबल पे दम तोड़ देता है। तो उसके मन में अपने आप उस बच्चे से व्यथित होकर फिर वापिस जब अपने घर आता है, फैक्ट्री आता है, जब बाद में फैक्ट्री में आने पर उसकी निगाहें सब तरफ होती, सुनी निगाहें, वो कहती कि इस दवा ने, इस फैक्ट्री ने मुझको क्या दिया, मैंने आज दवाई बनाई, फैक्ट्री को विकसित किया, मुझको सैलरी मिली और फैक्ट्री को देखता है, लेकिन इस फैक्ट्री में अब उसको वो चीज़ नहीं दिखती, उसको अपने बच्चे की चारों तरफ लाश दिखाई देती है, उससे अलगाव होने लगता फैक्ट्री पे और परायपन का अनुभव होता है। वह दवा की बोतलों को देखता है और दवा से उसको अलगाव होने लगता है। अलगाव एलिनेशन के कारण होता है, श्रमिक को उसने दवाइयाँ बनाई लेकिन जब जरूरत थी उसके बेटे को उन दवाइयों का वह उपयोग नहीं कर पाया, उसको अपने रिश्तेदार नाते सभी चीज़, वो उसको लगता है मैं अपनी जीवन की जंग हार चुका हूँ। और मार्क्स ने ऐसी स्थिति को कहा कि मजदूर की जो स्थिति, ये दशा है, इस चक्र में काम, कॉग इन व्हील की संज्ञा दी है। वो कहता है कि अलगाव के चिंतन के आधार पर उत्पादन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य उसने स्पष्ट किए हैं। बोले अलगाव जब चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो क्रांति अंगड़ाई लेने लगती है। आंसू जो हैं श्रमिकों के, जो आंसू हैं, टीयर्स हैं, वो शक्ति में बदल जाते हैं। पीड़ा का रूपांतरण एक पौरुष में होता है और अलगाव इंकलाब की पूर्व की स्थिति है। अभी देखिए जैसा हॉस्पिटल्स में चल रहा है कि मरीजों ने दवाई बनाई, मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर रहा है, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है तो उस हॉस्पिटल में वो पेमेंट नहीं कर पाता और वो अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता भाई बहन को नहीं बचा पाता, तो धीरे धीरे ये उसमें विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। ये अलगाव जो है आगे चल के क्रांति में बदल जाता है। इसी के आधार पर उसने कहा कि वास्तव में अल्थुजर ने भी बाद में, समाजशास्त्री अल्थुजर ने भी अलगाव को रेखांकित करते हुए कहा कि अलगाव का कारण व्यक्तिगत संपत्ति है। श्रमिक ने अपने बेटे को खोया है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का ह्रास हुआ तो वो अलगाव में गया। अलगाव का कारण वर्ग का वर्चस्व है, एक वर्ग का वर्चस्व है, पूंजीपति वर्गों का वर्चस्व है कि उनको निरंतर पैसा आता है और जो श्रमिक है उसको उतना नहीं मिलता, तो वर्ग प्रभुत्व के कारण अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अलगाव का कारण शोषण है, अगर पूंजीपति वर्ग शोषण ना करता होता तो श्रमिकों का नुकसान नहीं, तो श्रमिक समान भाव से जीवन लेते, उसके मन में अलगाव नहीं आता, व्यवस्था के विरोध की स्थिति, व्यवस्था के खिलाफ विरोध नहीं आता। अलगाव का कारण श्रम विभाजन है, श्रम का अलग अलग जो विभाजन हुआ है उसके परिपेक्ष में अलगाव होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से मार्क्स ने जो किया है, तो मार्क्स की जो चिंतन का जो आधार है पूरा, उसने शोषित वर्गों को वर्ग संघर्ष के चिंतन के आधार पे
ध्रुवीकृत करने का प्रयास किया है। दुनिया के कोने कोने में जितना शोषण था, भेदभाव था, अत्याचार के केंद्र सभी पर प्रहार किया है। तो वास्तव में मार्क्स का जो आर्थिक निर्धारणवाद है उसके आधार पर उसने इतिहास की व्याख्या की है। उसने कहा कि आर्थिक कारक बुनियादी कारक हैं और इसी के आधार पर उसने अपनी अलग अलग धारण अलगाव की बात की, वर्ग संघर्ष की बात की, वर्ग सर्वहारा की बात की, उत्पादन की शक्ति का बताया। और वो कहता है इसी के आधार पर आप देखिए ये जो है समाज में जब तक ये वर्ग रहेंगे, दोनों वर्ग, बोले एक आदर्श स्थिति यानी दोनों वर्ग को समान होना बोले संभव नहीं है। तो ये होने के कारण इसमें कहीं ना कहीं समाज में पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष होता है। और ये मार्क्स का जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, औद्योगिक समाजशास्त्र अधूरा है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र को जानने के लिए हमें मार्क्स के चिंतन को, मार्क्स की चिंतन प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी है। तो मार्क्स के, हालांकि डेरेनडॉर्फ ने इसका विरोध किया है, डेरेनडॉर्फ ने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कहा कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है दोषपूर्ण है। उसमें कहते हैं संघर्ष का मुख्य कारण वर्ग नहीं है, औद्योगिक समाज के संगठनों का एक जाल होता है, एक संरचना होती है, एक कार्य संस्कृति होती है जिसमें कर्मचारियों की प्रस्थिति होती है। और उसी के आधार पर उन्होंने इसको स्पष्ट किया, बोले ये संबंध जो वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं मार्क्स उचित नहीं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे चाहे डेरेनडॉर्फ ने विरोध किया हो चाहे किसी ने भी हो, कई आलोचनाओं के बावजूद कार्ल मार्क्स के अपराजय कालजयी चिंतन का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आज साम्यवादी विचारधारा हाशिए पे चली गई है, समाप्त नहीं हुई है, पूंजीवाद का प्रभुत्व है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कार्ल मार्क्स एकमात्र ऐसा समाजशास्त्री है जिसके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उसके चिंतन अपराजय है, उसका कालजयी चिंतन है, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प समाज में नहीं है। जब तक समाज में शोषण है, गरीबी है, लाचारी है, भेदभाव है, अन्याय है, अनाचार है, तो लोगों को, हम सभी को कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विचारों से एक नई ऊर्जा मिलती है, एक उष्मा मिलती है। क्योंकि जब तक इंसान भूखा रहेगा कार्ल मार्क्स के विचारों की चिंगारी बगावत करती रहेगी। मैंने एक उदाहरण दिया था अभी हॉस्पिटल का, कोविड के कारण आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बहुत मारामारी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। तो इन सभी ऑक्सीजन दवाइयां और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाला जो श्रमिक है सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही है। तो देखिए उसमें वर्ग संघर्ष के कारण उसमें भी विद्रोह की चिंगारी हो रही, कई हॉस्पिटल्स का घेराव हो रहा है, वो लोग आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ आंदोलित कर रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि उन्होंने जिस चीज का निर्माण किया जब उनको जरूरत हुई, उनको आवश्यकता हुई, तो पैसे के अभाव में, उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी, पूंजी के अभाव में उन साधनों का उपभोग नहीं कर पाए, तो उनकी आंखों के सामने टेबल पर उनका बेटा दम तोड़ देता है, पिताजी दम तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पाता, प्राण रक्षक दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, और कोविड का कहर से उसके सामने, और स्थिति यह होती है कि उनको अपनी डेड बॉडी भी देखने को नहीं मिलती है, शमशान घाट में प्रसाद के द्वारा उनका संस्कार किया जाता है। और पूंजीपति जो है वो अपने घरों में सिलेंडर लेके रखे हैं, प्राण रक्षक दवाइयां ब्लैक में ले लेके उन्होंने रख ली है और उसका उपभोग कर रहे हैं, वो स्वस्थ हैं। तो ये व्यवस्था जो है, ये अलगाव की स्थिति, एलिनेशन आता है। तो आप देखें कार्ल मार्क्स जो है आज भी कार्ल मार्क्स के संघर्ष के सिद्धांत सिर्फ एक मार्च एक मई नहीं हमेशा जीवित रहते हैं। ये था औद्योगिक समाज और कार्ल मार्क्स का चिंतन।